मैंडेटरी किया हुआ है जब भी हम किसी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जब भी हम किसी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी इम्प्लीमेंटेशन आपको फॉलो करनी पड़ती है सो बेसिकली इट इज अ सेफ्टी ऑपरेशनल टूल फूड सेफ्टी ऑपरेशनल टूल मतलब अगर कोई भी हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पर फूड so मतलब तो की किस तरह से हाइजेनिक uh, कंडीशन में प्रोसेसिंग uh, होनी चाहिए वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए फूड जो है वो हमेशा हाइजीनिक कंडीशन में रहना चाहिए ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की बनी रहे और उसकी शेल्फ लाइफ भी क्या है शेल्फ लाइफ भी क्या है उतनी रहे फूड की वो उसकी फूड की क्वालिटी डिटोरेट ना हो या फिर उसमें कोई भी किसी भी तरह का कंटेमिनेशन ना हो तो एच एस सी सी पी इज ऑल्सो ऑपरेशनल टूल जो कि फूड सेफ्टी के लिए बनाया गया है जिसमें हमें क्या करना होता है देर आर वेरियस स्टेप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एच एस सी सी पी जिसमें हम क्या करते हैं सारे हजार जितने भी आए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग इन टाइम में हम क्या करते हैं सब एक एक स्टेप पर क्या करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं सो दैट फूड की जो क्वालिटी है वो

आपके पास से प्रिंसिपल्स है कुछ आपके स्टेप्स है जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है इन द फूड इंडस्ट्री तो इट इज अ फूड सेफ्टी सिस्टम बेस्ड अप्रोच इफ वन स्टार्ट विद अ गुड क्वालिटी फूड इंग्रीडियंट्स इसमें हम क्या करते हैं फूड इंग्रीडियंट्स या फिर रो मटेरियल स्टार्टिंग करते हैं देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है मॉनिटरिंग करनी पड़ती है एक हर एक स्टेप में उसके बाद आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं क्रिटिकल कंट्रोल कंट्रोल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सी सी पी इसका मतलब क्या होता है जब भी हम की कोई भी ऑपरेशन ऑपरेशन टूल यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने अपना फूड मैनुफैक्चर कर रही हूँ फूड मैनुफैक्चर कर रही हूँ अंडर द टेमपरेचर और उसके बाद मैंने क्या क्या फैक्टर्स रखे हैं यहाँ पे पीएच रख लिया टेम्परेचर रख लिया ह्यूमिडिटी रख लिया तो इन सभी फैक्टर्स को मैं ध्यान में रखते हुए क्या करूंगी अपने फूड की मैन्युफैक्चरिंग करूँगी और मैं क्या करूँगी ये सारे स्टेप्स को ये सारे जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं इनको मैं ध्यान में रख के क्या करूंगी फूड को मैनुफैक्चरिंग करूंगी अगर हमें इन ये सारी लिमिट्स अगर एक्सीड हो जाती है तो उस केस में क्या है फूड की क्वालिटी के चांसेस खराब हो जाते हैं कि फूड अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा तो ये चीज भी हमें क्या करनी है माइंड में रखनी है सो so, उसके बाद क्या है हमने क्या करा इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करा Processing करी processing के टाइम पे हमने 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 सारे सारे को किया किया उसके बाद हमने कुछ -S -S -C -C हमने किया ताकि जितने भी उसमें hazards हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग अब हमारे पास जब भी हम यहाँ पर हेजार्ड की बात करते हैं तो हेजार्ड में क्या आता है आपके पास देर आर थ्री टाइप ऑफ हेजार्ड बेसिकली फर्स्ट हेजार्ड इज फिजिकल Second is chemical, and third one is uh, biological. तो जब भी हम हेज़ार्ड्स की बात कर रहे हैं हज़ार हेज़ार्ड क्या है कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारी फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कभी भी आ सकता है तो इन्हीं सभी को नेग्लेक्ट करने के लिए एच एस सी सी एक इम्प्लीमेंटेशन आया ताकि फूड की क्वालिटी फूड की सेफ्टी बनी रहे और हम टाइम टू टाइम हर एक स्टेप पे मॉनिटरिंग करती रहे ताकि हमारा फूड क्या है जो इट इज सेफ टू कंज्यूम देन यहां पर हम अगर हेजार्ड्स uh, की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं जो कि की हमारी कीपिंग क्वालिटी को या फिर फूड की क्वालिटी uh, को डिटोरेट कर सकते हैं तो फर्स्ट एजेंट इज फिजिकल एजेंट्स तो इस जो फिजिकल हेजार्ड्स है या फिजिकल एजेंट्स इसमें क्या क्या आ सकते हैं अगर आप मैनुफेक्चर कर रहे हो फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे पैकेजिंग के टाइम पे तो यहाँ पे हम फिजिकल एजेंट्स कुछ देखने को मिलते हैं जैसे यहाँ पे हेयर आ गया फर आ गया या फिर कोई रोडेंट्स आ गए तो ये

आ सकती है फूड के अंदर तो इन डिलीट करने के लिए रिमूव करने के लिए क्या करते, है? करते हैं सीसीपी मतलब, मतलब है, को रखते हैं और हर मॉनिटरिंग करते हैं तो नेक्स्ट इज तो जब भी हम बायोलॉजिकलार्ड की बात करते हैं यहाँ पर आपके एलगी बैक्टीरियाज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सारे फूड की मैन्युफेक्चरिंग के फूड की मैन्युफेक्चरिंग के टाइम यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं तो ये सभी

है या नहीं कर रहा तो इस इस इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा लास्ट में वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद साथ ही साथ हम क्या करेंगे उसको उसकी आ, पूरा रिकॉर्ड रख लेंगे ताकि फ्यूचर में वो रिकॉर्ड हम किसी भी टाइम पे अपना देख सके और किसी भी टाइम पे उसको इवैल्यूएट कर सके तो दीस आर सम स्टेप्स इन द एचएससीसीपी एचएससीसीपी को इसलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि फूड जो है वो सेफ रहे उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे सो नेक्स्ट इज एच एस सी सी पी इज अ फूड रिलेटेड ऑपरेशन तो इसमें हम क्या करते हैं दीज आर द स्टेप्स इसमें क्या कर रहे हैं हम पहले है, इसको हेजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर एक स्टेज पे ड्यूरिंग द ऑपरेशन जब भी फूड बन रहा है राइट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द राइट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश मतलब रो मटीरियल से जब भी एंड में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या जब कंज्यूमर तक फूड पहुंच रहा है उसके उस uh, उस सारे स्टेप्स पे हम क्या कर रहे हैं हेजार्ड्स है? को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अब वहां पे हेजार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं फिजिकल भी हो सकता है केमिकल भी हो सकता है बायोलॉजिकल भी हो सकता है नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है हमें सीसीपी को डिटरमाइन करना है मतलब किस uh, किस टेम्परेचर पे किस ह्यूमिडिटी पे किस पीएच पे आपका फूड जो है वो सेफ रहे तो हमें क्या करना है इन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करना है ताकि फूड को कि जो फूड सेफ्टी है वो हमें मेंटेन रहे और हमारा जो फूड है वो इट इज़ सेफ टू कंज्यूम नेक्स्ट इज़ द आपने सबसे पहले सीसीपी को आइडेंटिफाई किया देन उसको क्या करना है आपने एस्टेब्लिश करना है और फिर एस्टेब्लिश करने के बाद क्या करना है हर एक पॉइंट पे सी सी पी की मॉनिटरिंग करनी है ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ आपने ये ये स्टेप में करा है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाय बना रहे हो तो जब आप चाय बनाते हो तो क्या करते हो वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही उसको हीट करते हो अगर उस अगर आपका टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर हाई हो जाता है उस केस में अगर आप हीटिंग करते तो हीटिंग ज्यादा कर देते हो हो एक्सेसिव करते तो उस केस में क्या चाय बाहर आ जाती है तो वहां पर जो आपने सीसीपी लगाया है दैट इज टेम्परेचर उसके बाद आपने क्या करा उस टेम्परेचर को कंट्रोल करा आपने वेरीफाई किया कि हाँ इस टेम्परेचर में ही चाय आपकी उबल जाएगी तो इस ऐसे ही आप

उसके बाद जब आपने करेक्शन कर ली करेक्शन के बाद क्या होता है आपके पास सारा रिकॉर्ड आप डॉक्यूमेंटेशन बना के रख लेते हो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हो देन आपको फॉर द फ्यूचर यूज आपको वो काम आ सकते हैं तो ये है आपका एच सी सी पी जिसमें सेवन स्टेप्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं सारे हेजर्ड को कंट्रोल करते हैं एट द एवरी स्टेज ऑफ food operation or food in a food manufacturing unit. so this is uh, about HACCP. now these are some terms which are related to the HACCP. so the first term is control. control क्या होता है? जब भी हम कोई uh, वहाँ पे operation to use कर रहे हैं, उसको हमने क्या करना है? एक control उस जैसे हम control sample use करते हैं food testing में, ऐसे यहाँ पे हर एक factors को control करना है. next term is control point. जिस स्टेप पे आपके पास बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल फैक्टर्स आ रहे हैं उसको आपको क्या करना है कंट्रोल करना है मतलब इसमें क्या कंट्रोल करना है आपको हेज़ार्ड्स। नेक्स्ट टर्म इज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपने अपने कंट्रोल को अप्लाई किया है आपने वो फैक्टर्स को अप्लाई करा है फूड सेफ्टी के लिए

के लिए हार्मफुल होते हैं तो दीस आर द हैजार्ड हैजार्ड एनालिसिस मतलब जब भी जो भी हैजार्ड आ रहा है उसको क्या करना है हर एक पॉइंट पे एनालाइज uh, करना है मॉनिटर मींस जब भी कोई भी स्टेप हो रहा है फ्रॉम द फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेप 1 टिल एंड आपको क्या करना है हर एक प्रोसीजर uh, पे आपको यहाँ पर मॉनिटरिंग करनी है कि सीसीपी वहाँ पर सही से लगा है या फिर नहीं लगा है वेरिफिकेशन के बाद क्या करना है

कार्ड को आइडेंटिफाई करना देन सीसीपी को एस्टेब्लिश करना तो ये सारे आपके स्टेप्स पूछे जाते हैं अरेंज द सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एचएससीसीपी ये सारे आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं सेवन प्रिंसिपल्स होते हैं एचएससीसीपी के फर्स्ट इज हमने क्या करा हैजर्ड एनालिसिस को कंडक्ट किया था देन सीसीपी को डिटरमाइन किया सीसीपी को एस्टेब्लिश करा उसके बाद हमने क्या किया था मॉनिटरिंग करी थी सारे CCP की देन सी सी पी गलत हो गया था वहाँ पर स्टेप में तो वहाँ पे क्या करें हमने एक्शंस को यूज करा था मतलब करेक्टिव चीज़ें चीज़ें सही करी जो गलत थी उनको करेक्ट किया था देन वहाँ पे वेरिफिकेशन की थी कंफर्मेशन के लिए उसकी वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस यूज करी थी ताकि फ्यूचर में आपके पास क्या रहे रिजल्ट रहे तो दीज आर दिंसिपल ऑफ एच एस सी सी पी विच हैजिन

तो ये सारे को आपको आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट इज हेजार्ड दीज आर हाँ मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल उसके बाद क्या है नेक्स्ट इज यहां पर क्या करना है इवेल्युएशन करना है एट द एंड नेक्स्ट इज द डिटरमाइन सीसीपी नेक्स्ट स्टेप क्या था पहले था आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेजार्ड नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है डिटरमाइन द सीसीपी पी यहाँ पे क्या करना है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को आपको चेक करना है कि अगर मान लो टेम्परेचर आप ज्यादा इंक्रीज कर दोगे जब टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करोगे तो क्या होएगा वहां पे सारे कंट्रोल पॉइंट्स लूज हो जाएंगे और फूड की क्वालिटी वहां पर अगेन डिटोरेट होने के चांसेस है तो इसलिए क्या करना है आपको आपने पहले एज आइडेंटिफाई किया उसके बाद क्या करना है सारे सीसीपी को डिटरमाइन करना है उसके बाद क्या करना है टू प्रिवेंट और एलिमिनेट द हजार्ड और रिड्यूस इट टू द एक्सेप्टेबल लेवल या तो कम्प्लीटली उसको नेग्लेक्ट कर दो हजार्ड को या फिर उसको कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट तक रिड्यूस कर दो उतना रिड्यूस कर दो ताकि वो फूड की क्वालिटी को खराब ना करे उसके बाद क्या है इसमें क्या करना होता है जो भी एच एस है वहां पर आप कंट्रोल कंट्रोल लगाओ कौन कौन सा वहां पे कंट्रोल पॉसिबल है नेक्स्ट स्टेप वो एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स ये आपका थर्ड स्टेप है क्रिटिकल यहाँ क्रिटिकल लिमिट्स आपको पता चल गया कि मान लो जब भी आप कोई फूड कुक कर रहे हो कि उसका इतना टेम्परेचर ही रहना चाहिए इस टेम्परेचर पे फूड कुक होएगा तो उस उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को एस्टेब्लिश कर दोगे कि सपोज अगर मेरा फूड हंड्रेड डिग्री पे आपने क्या करा कुक करा है या फिर वन टू वन डिग्री कुक करा है

फूड आपकी फूड सेफ्टी वहां पर अगेन क्या है फिर से हो जाएगी तो इस केस में क्या है अगर काफी बार इंक्रीज करते हो तो फूड में हो जाती है या फिर फूड का क्या होता है न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं तो इस केस में क्या करना है यहाँ पे कंट्रोल्स को क्या करना है मॉनिटरिंग करते रहना है जो भी आपने फैक्टर्स यूज करे हैं देन कोरेक्टिव एक्शन जो भी आपने कंट्रोल लगाया है उस पर क्या करना है ऐसे आपके पास जैसे मान लो आप फूड बना रहे हो अगर कुकिंग टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो आपने क्या करा उसको रीप्रोसेसिंग कर लिया भाई दूसरे टेम्परेचर पे उसको रख के देख लिया रीप्रोसेसिंग क्या मतलब उसमें आपने क्या करा? आपने करा दूसरा टेक्निक्स को अप्लाई करा करेक्टिव मेजर्स करेक्टिव एक्शन वहां पर अप्लाई करे तो, तो दिस इज करेक्टिव एक्शन नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ एच एससी पी पे क्या करना है आपने जो भी एच ए सी बनाया है उसकी वेरिफिकेशन करनी है Verification से क्या होगा? आपके पास एक result रहेगा, आपके पास पास एक एक रहेगा, रहेगा। यहाँ पर हम कुछ डिवाइसेस भी यूज करते हैं जैसे जैसे टाइम और टेम्परेचर को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं कि वहां पर जो कुकिंग यूनिट है वो काम अच्छे से कर रही है नहीं कर रही इसको हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट उसके सेवन प्रिंसिपल है जो की एक ऑपरेशनल टूल है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कि safety, की फूड सेफ्टी की फूड सेफ्टी जो है वो बनी रहे स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मेटेरियल टिल

बट वो क्या हुआ है वो इट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आपका आ सकता है जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें ठीक है एनिमल हजबेंड्री की बात करें या फिर एग्रीकल्चर में बात करें कोई भी जब हम फूड रॉ मटेरियल से ले रहे हैं तो वहां पे कोई भी हजार्स आ सकता है जैसे हमने एच ए में पढ़ा तो ऐसे ही ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या फिर आप जब भी रॉ मटेरियल्स ले रहे हो तो वहां पर भी क्या होती है कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं इसलिए ही हमने एच को वहां पर यूज किया था ताकि हम सारे स्टेप्स में मोनिटरिंग कर सकते Okay, starting from the raw material. फूड पैकेजिंग तो इसमें क्या है फूड कंटेमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमने क्या करा इंटेंशनली किसी भी फूड uh, को ऐड नहीं करा है लेकिन वो क्या करा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो एजार सकता है प्रोसेसिंग प्रिपरेशन ट्रीटमेंट पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग जब भी हम ये सारे स्टेप करते हैं उस स्टेप में ये चीजें कभी भी अकर हो सकती है तो दिस इज फूड कंटेमिनेट विच इज एनी सबस्टांस नॉट इंटेंशनली एडिड टू द फूड बट वो फूड में प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द

उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं जो कि क्या हो सकते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं और एक इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के कंटेमिनेट भी हो सकते हैं तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट इज नेचुरली अकरिंग मतलब जो जो कि कि में 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 रहता है है हमें कहां से मिलता देख सकते हैं एनिमल, में और कुछ एंटीन्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की, की अवेलेबिलिटी को कम करते हैं अ प्लांट फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो प्रोटीन है ठीक है सपोज करो या कोई भी न्यूट्रिएंट है प्रोटीन हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया फैट हो गया तो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या करेंगे उनकी को कम कर देंगे उनकी जो प्रोसेस हो रही है उसको इनिबिट कर देंगे उनकी बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देंगे तो ये होते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स तो फर्स्ट कंटामिनेंट कौन सा हो सकता है इसमें नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल कंटेमिनेट इन्वायरमेंट से जो कंटेमिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं इन्वायरमेंटल कंटेमिनेट इसमें हमारे पास पेस्टिसाइड रेजिड्यूज आते हैं जो भी आप पेस्टिसाइड यूज करते हो टू किल द

पॉइजनियस एंड कंटेमिनेट्स जो कि प्लास्टिक हो सकते हैं डायऑक्सिन हो सकते हैं डायऑक्सिन मतलब जो प्लास्टिक के रेजिड्यूस आते हैं उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जनरेट होते हैं तो वो है जो कि इन्वायरमेंट में आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है उसकी डिग्रेड कर सकता है तो ये सारे क्या होते हैं कंटामिनेंट्स फूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और या फिर प्रोसेसिंग प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पैकेजिंग प्रोसेस या फिर होल्डिंग प्रोसेस पे हम सारे कंटामिनेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन हमने इनको इंटेंशनली एड नहीं करा है ये फूड में ड्यूरिंग द ऑपरेशन वहां पर प्रेजेंट हो गए तो ये सारे कंटामिनेंट्स होते हैं फूड कंटेमिनेट्स जो कि तीन तरह के होते हैं नेचुरली अगरिंग या फिर इन्वायमेंट के कंटामिनेंट्स और मिसक्लिनियस कंटामिनेंट्स सो नेक्स्ट इज Now we will discuss about some uh...

रिलीज करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं जिसमें हमें क्या होता है हमारी हेल्थ पर वो इफेक्ट डाल सकते हैं तो इसमें क्या है शेल फिश के कुछ टॉक्सिन्स है जब भी हम सी फूड कंज्यूम करते हैं या शेल फिश को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस केस में क्या है कुछ ऐसे टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो फिर आपके जी आई डिस्टर्बेंसेज गेस्टो इंट, इंटेस्टनल डिस्टर्बेंसेज कर सकते हैं या फिर आपको काफी सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट इज प्लांट

कि अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं उनको इनिबिट करते हैं उनकी एब्सॉर्बन को इनिबिट करते हैं तो ये वाले होते हैं आपके पास एंटीन्यूट्रिशनल फैक्टर्स जैसे फाइटेट्स टेनिस्ट ऑक्सिलेट ट्रिप्सन इनिबिटर एंड गोइट्रोजन ये सारे आपके प्लांट फूड

बैक्टीरियाज हो गए या फिर जो भी ऐसे कीड़े हो गए जो कि क्या करता है अब जो ये शेल्फिश टॉक्सिन टॉक्सिन है ये क्या है कुछ जो आपके फिशेस हैं या फिर आप जहाँ से भी आप सी फूड ले रहे हैं उनके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं लेकिन सेल्फिश के लिए वो टॉक्सिक नहीं हो सकते अगर अगर ये वाला टॉक्सिन प्लैंकटोन्स के पास भी चला गया तो वो उनकी भी डेथ हो सकती है इसलिए हार्मफुल होते हैं प्लैंकटोन्स के लिए उसके बाद क्या है जब भी अगर हमने ऐसा सी फूड कंज्यूम कर लिया जिसमें सेल्फिश टॉक्सिन तो क्या होगा वहां पर हमारे पास अब तीन तरह के इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फर्स्ट इज पैरेलिटिक न्यूरोलॉजिक एंड डायरियल और एमनेजिक शेलफिश पॉइजनिंग जब भी हम कुछ ये वाला अगर सी सी फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें शेलफिश टॉक्सिन हो तो उसमें हमारे पास चार तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या फिर इसमें उसकी पॉइजनिंग हो जाती है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है तो इसमें क्या है जब भी हम पैरालिटिक की बात करते हैं तो uh, में क्या होता है जनरली हो जाता है, हाथ पैर का पैरालिस हो जाना फेस में पैरालिस हो जाना तो इसलिए बोलते हैं कि सी फूड को कम से कम कंज्यूम करना चाहिए और अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम उसमें क्या करें सारे जितने भी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग फैक्टर्स हैं उसको अच्छे से कुक करके खाएं अच्छे से सारे फैक्टर्स में उसको हेजार्स को रिमूव करें तभी हमें क्या करना चाहिए सी फूड को कंज्यूम करना चाहिए तो अगर हम इस पॉइजनिंग को ले लेते हैं अगर ये ये पॉइजन हम ह्यूमन बॉडी में आ गया ये टॉक्सिन ह्यूमन बॉडी में आ गया तो यहाँ पे वो पैरालिटिक पॉइजनिंग uh, भी कर सकता है जिसमें पैरालिसिस के चांसिस रहते हैं या फिर वो न्यूरोलॉजिक भी पॉइजनिंग कर सकता है जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट आ सकता है या फिर वो डायरियल पॉइजनिंग कर सकता है जिसमें डायरिया हमारे बहुत ज्यादा आ, आ सकता है जो कि हमारे जीआई डिस्टरबेंसेस करता है एमिनोजिक शेल्फिस भी कर सकता है जिसमें अमीनो एसिड्स का इफ, इफ, इफ इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फिश

मेरीन वाटर में आपको देखने को मिलते हैं तो जो सेल्फिश होते है, जो कोस करती है, that is due to the, uh, जो है 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 करती कि कौन सा करता करता, है? करता है. इस टॉक्सिन की वजह से क्या होता है अगर ये ह्यूमन बॉडी में पॉइजनिंग हो गई तो उसको क्या हो? उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हेड हो सकता है डिजीनेस हो सकती है नम्बनेस हो सकती है या फिर लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जिसमें पैरालिसिस के चांसेस सबसे हाई रहते हैं ऑल्सो यहाँ पे जीआई डिस्टरबेंस हो सकते हैं नोजिया वॉमिटिंग डायरिया ये सारे सिम्टम्स भी जनरली देखने को मिलते हैं नेक्स्ट इज डायरिक हमने अभी क्या पढ़ा था पैरालिटिक नेक्स्ट डायरिया उसमें क्या है ये माइल्ड जीआई डिसऑर्डर है वो कौन सा था वो जनरली सीवियर था जनरली कौन सा देखने को मिलता है पैरालिटिक लेकिन अगर उसमें जो डायरिक है उसमें क्या है वो वो किसकी यहाँ से टॉक्सिन रिलीज होके क्या होता है डायरिक सेल्फिश पॉइजनिंग कर सकता है जनरली इसमें डायरिया के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं लेकिन ये माइल्ड है सीवियर नहीं है ठीक है तो ये वाला है माइल्ड जीआई डिसऑर्डर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर नाउ कमिंग टू द न्यूरोटॉक्सिन सेल्फिश पॉइजनिंग ये तो नाम से ही पता चल रहा है न्यूरो मतलब किसको इफेक्ट करेगा नर्वस सिस्टम को अगेन ये फिर डायनोफ्लेजिलेट्स की वजह से होता है इसमें भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं जो कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकते हैं एंड जीआई डिसऑर्डर यहां पर दोबारा से हो सकते हैं नेक्स्ट कमिंग टू द एमनेजिक सेल्फिश पॉइजनिंग ये किसकी वजह से होता है जो डाईटम्स होते हैं मरीन होती हैं जो पानी में रहने वाले जितने भी आपके हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं तो उस केस में क्या है अगर वहां पे अनयूजल अमीनो एसिड आ गया एज अ कंटेमिनेट अगर मतलब मैं प्रोटीन की बात करूं तो वो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं अगर वहां एक अनयूजल अमीनो एसिड आ गया तो उस केस में कौन सी पॉइजनिंग होगी एमनेजिक सेल्फिश पॉइजनिंग ये भी बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है जो कि जीआई और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वहां पर शो करती है, जिसमें आपके में हो सकती है या फिर को वो कर सकती है। तो ये, था ये जो सिग्युटेरिया पॉइजनिंग है ये कब होता है अगर हम मरीन स्पीशीज में जितने भी आपके मरीन फिशीज हो गई उनको खा लिया उनमें अगर वो टॉक्सिन प्रेजेंट अगर आपने सपोज करो फिक्स फिश को खाया ठीक है अच्छे से प्रोसेसिंग करके नहीं खाया और उस फिश में ये वाला रहा। और करेगा, करेगा। इसमें या फिर आपका या तो नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा इधर पैरालिसिस होगा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होगी या फिर आपका काफी बार डेथ भी हो सकती है और काफी सारे पॉइजनिंग में डेथ वहां पे रेयर होती है. तो इसमें क्या है जो है है जो ये ये generally किसकी वजह से होता है? जब भी हम मेरी स्पीशीज को कंज्यूम करते हैं तो जो सिग्युटेरिया है उसका टॉक्सिन कौन सा होता है सिग्युआ टॉक्सिन होता है अब जो सिग्युआ टॉक्सिन है ये क्या होता है ये जनरली कौन प्रोड्यूस करता है ग्रीन, एल्गा और प्रोटोजोआ जो कि सेंसरी मोटर थर्मोरेगुलेशन और मस्कुलर एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है मेनली नर्वस सिस्टम को क्या करता है इफेक्ट करता है ये टॉक्सिन ऑर्डरलेस होता है टेस्टलेस आपको पता ही नहीं चलता कि आपने टॉक्सिन खाया है वो फूड में मिक्स हो जाता है उसकी कोई जनरली ऑर्डर नहीं आती स्मेल नहीं आती अब जो सिगवा टॉक्सिन है जनरली हम मेरीन फूड जैसे फिश हो गया इनको खा रहे हैं तो वहां उसके इसमें क्या होगा सबसे पहले वो टॉक्सिन स्मॉल फिश के पास जाएगा देन स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा लेंगे लार्ज फिश को कौन खाएगा ह्यूमन खा लेंगे तो टॉक्सिन ऐसे क्या हो रहा है पास हो रहा है जैसे ने ने खाया खाया फिर को को बड़ी फिश ने खाया। बड़ी फिश को कौन रहा है? कर रहे हैं तो वो कहां जाएगा Ultimately, की में जाएगा की में अब इसमें बहुत सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जी आई ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकती है ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है मस्क्यूलो स्केलेटल आपकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है मसल्स में ये टॉक्सिन भी हार्मफुल हो सकता है जो कि मसल को या तो अच्छे से उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने देगा स्किन पे भी आपकी हो सकते हैं या फिर हर्ट को भी इफेक्ट कर सकता है दैट इज कार्डियो पल्मोनरी ये हर्ट पे भी इफेक्ट डाल सकता है ऑल्सो मेन चीज है जो सिग्यूटेरिय टॉक्सिन है वो ब्रेस्ट मिल्क में भी काफी बार रिलीज हो जाता है और क्या है जो कि आपके फीटस को इफेक्ट करता है बट इस सिगरेटेर टॉक्सिन से डेथ जो है उसके चांसेस कम होते हैं तो जनरली हम जो भी फूड खा रहे हैं उसको अच्छे से प्रोसेसिंग उसकी करो ताकि कोई भी फूड कंटेमिनेंट अगर अगर प्रेजेंट हो तो या तो वो किल हो जाए या फिर वो उसकी अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाए और वो क्या है बॉडी को इफेक्ट ना करे तो सेकेंड थर्ड इज पफर फिश पॉइजनिंग तो जो ये वाली पॉइजनिंग है ये अगर हम ब्लो फिश इसको हम ब्लो फिश पॉइजनिंग भी बोलते हैं और फूकू भी बोलते हैं अब जो पुफर फिश है वो जापान की सबसे डिलीशियस फिश है जो जापान की क्या है सबसे डिलीशियस फिश है जब भी हम इस वाले फिश को कंज्यूम करते हैं ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो काफी बारी उसमें से कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं टेट्रोडॉक्सिन पॉइजन ये क्या करता है ये एक है है जो कि जनरली नर्वस सिस्टम को अगेन इफेक्ट करता ब्रेन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है तो ये है पफर फिश पॉइजनन जो कि पफर फिश जो है ये फिश का नाम है जो कि जापान की फिश है बहुत ही ज्यादा डिलीशियस फिश है तो जब ये टॉक्सिन रिलीज होता है तो क्या होता है इसमें डेथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्यों क्योंकि वहां पे कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है उसमें नाम का वहाँ पे रिलीज होता है तो ये क्या ये क्या करता है नर्वस सिस्टम को करता है और जैसे ही आप ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किया वहीं पर ही कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंटली डेथ हो जाती है क्योंकि ये क्या करता है जो सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में जब प्रॉपर फंक्शनिंग के टाइम पे तो वो क्या करता है इसको इनिबिट कर देता है और डेथ के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं नेक्स्ट इज स्कोमोइड पॉइजनिंग स्कोम्ब्रॉइड पॉइजनिंग कौन सी होती है जब भी हम कोई भी फ्रेश कैन और स्मोक फिश को कंज्यूम करते हैं वो होता है अब उसमें कौन से टाइप का रिलीज़ होता है अब अगर देखो यहाँ पर क्या है जो फ्रेश फूड है जो कैन है जो स्मोक्ड फूड है उसमें जनरली हिस्टामिन जो अमीनो एसिड है उसका लेवल क्या रहता है हाई रहता है तो ड्यू टू हाई हिस्टामिन लेवल्स और ड्यू टू द इम प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये वाला पॉइजन जनरली हमें देखने को मिलता है मेनली ये किसकी वजह से होता है ट्यूना और मैकरल फिश अगर आप कंज्यूम करते हो तो उसमें जो हिस्टामिन का लेवल क्या होता है बहुत ज्यादा हाई रहता है जिसकी वजह से ये पॉइजन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और बहुत सारी इलनेस कोस करता है बहुत सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपियर होते हैं तो इसके इसमें क्या है जो हिस्टामिन है वो क्या करता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है और हिस्टामिन क्या है बायोजेनिक अमाइन ये बायोजेनिक अमाइन का मतलब क्या है वो एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है जो कि कहाँ से मिला है अमीनो एसिड से बना हुआ है जनरली कौन कौन से सिस्टम सिम्टम देखने को मिलते हैं फेशियल फ्लशिंग स्वेलिंग हेड एक रैशेज डायरिया वॉमिटिंग एक्सेट्रा अगर आप ये वाला पॉइजन कंज्यूम करते हो तो, तो स्क्रोम्बॉइड पॉइजनिंग सेल्फिश पॉइजनिंग पैरालिटिक अमीनिजिक डायरियल ये सारी जितनी भी पॉइजनिंग है इस वो सारे हमारी इनलेस कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में इसलिए हम क्या करते हैं जो भी इंप्रोपर स्टोरेज हो रही है अगर इंप्रोपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये सारे कंटामिनेंट्स पॉइजंस हमें देखने को मिलते हैं इसलिए ही हमारे पास जितने भी ऑपरेशनल टूल है चाहे वो एचएसीसीपी हो गया चाहे वो जीएचपी हो गया चाहे वो जीएलपी हो गया ये सारे प्रैक्टिसेस को हमें एक फूड इंडस्ट्री में फॉलो करना पड़ता है ताकि फूड की जो फूड सेफ्टी है वो अच्छे से रहे स्टार्टिंग फ्रॉम तो ताकि फूड की क्वालिटी अच्छी रहे फूड की सेफ्टी रहे और कंज्यूमर को वो फूड आप पे अच्छी कंडीशन में पहुंचे तो इसलिए ये सारे कंटेमिनेट्स को रिड्यूस करने के लिए हमने बहुत सारे इम्प्लीमेंट बहुत सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है बहुत सारी प्रैक्टिसेस को चलाना पड़ता है इंप्लीमेंट करना पड़ता है इवैल्यूएट करना पड़ता है तो ये कुछ आपका था फूड कंटामिनेंट का पोर्शन जिसमें ये वाले एग्जाम में कंटामिनेंट जनरली पूछ लिए जाते हैं मेनली टॉक्सिंस पूछे जाते हैं कि कौन सा टॉक्सिन कौन सी पॉइजनिंग में रिलीज होता है सो दिस इज ऑल अबाउट फूड कंटामिनेंट्स एंड एचएससीसीपी थैंक यू वेरी मच बाय एंड टेक केयर